आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आजादी की लड़ाई में हरियाणा के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन सभी जिलों में किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आगाज अम्बाला में किया गया, जिसका शुभारंभ उपायुक्त विक्रम सिंह ने किया। बता दें, आजादी की लड़ाई में हरियाणा ने कई बलिदान दिए हैं। आजादी की लड़ाई में हरियाणा की अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बात को स्कूली शिक्षा के माध्यम से तो पढ़ाया जा ही रहा है, साथ ही अब आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाकर आजादी की लड़ाई में हरियाणा के योगदान को जन जन तक पहुंचाने की शुरुआत की गई है। एक प्रदर्शनी के माध्यम से हरियाणा के सभी जिलों में इतिहास दर्शाया जाएगा। अम्बाला में उपायुक्त विक्रम सिंह ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हरियाणा में मुख्यमंत्री ने की थी और इस प्रदर्शनी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आजादी का, जैसे कि आप सभी को पता है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा भी, हरियाणा सरकार के द्वारा भी। तो इसमें सीएम साहब द्वारा प्रदर्शनी का जो शुभारंभ किया गया था 2 सितंबर को चंडीगढ़ में किया गया था, तो उसके बाद ये हर जिले में लगाई जा रही है। तो अम्बाला में भी ये 3 दिनों के लिए लगाई जाएगी। तो इसमें सारी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें बेसिकली जो हरियाणा का जो उसमें योगदान था आज़ादी के लड़ाई में, तो उसको बढ़ चढ़ के दिखाया गया है। और बाकी सभी के लिए आग्रह मेरा यही रहेगा कि जितने भी लोग हों यहाँ पे आके देखें, हरियाणा के इतिहास को देखें और क्या क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काम किए थे, उनको आके देखें। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल की रिपोर्ट।